जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मिस्टर स्कैल्पर की एक और नई वीडियो में, और मैं हूं आप सभी का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। भाई, ऊर्जा ग्लोबल में जब से बजट की अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद तो ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज 8.55 रुपये पर ऊर्जा ग्लोबल दोबारा आ चुका है, और बहुत सारे लोग जो है मेरे से बोल रहे थे, भाई ऊर्जा ग्लोबल में हम ऊपर के लेवल्स में फंस चुके हैं, क्या करें क्या ना करें। भाई, आपके भाव दोबारा आ चुके हैं, ठीक है। मैंने ये शेयर, इसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन है उसे भी दबा दो, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोई भी पर्सनल ट्रेड होता है या कोई भी अपडेट होती है मार्केट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह, वो मैं आपको वहाँ पर बता देता हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर नोटिस करनी होगी ऊर्जा ग्लोबल के बारे में, अगर आप एक चीज़ इम्पॉर्टेंट देखें जो बजट में हम चलेंगे, उससे पहले हम टेक्निकली कुछ स्ट्रक्चर समझने की मैं आपको बता देता हूँ। जिसको भी पुरानी वीडियो देखनी है, मैं ऊपर आई बटन में लिंक जो है वो कर दूंगा। मैंने इस लेवल पे 2.5 रुपये के लेवल पे ऊर्जा ग्लोबल आपको रेकमेंड किया था, इस वजह से क्योंकि टेस्ला या कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी अगर इंडिया में आके इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो रेवोल्यूशन है उसे शुरू करेगी, तो उसके लिए मेन चीज़ क्या होंगी, बैटरी बनाने वाली कंपनी या सोलर एनर्जी वाली कंपनी या जो बैटरी बनाती है वो कंपनीज इंपॉर्टेंट होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, बजट में जो बातें चल रही थी जो कल सच हो गई, बहुत लोगों को लग रहा था कि भाई बजट में कुछ ऐसा नहीं होगा सोलर एनर्जी के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए नहीं होगा, कुछ टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे ये सब होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये हुई, बहुत अच्छा रहा मार्केट के लिए, जो कि आपको रैली में दिख भी रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हमें देखने को मिली है ऊर्जा ग्लोबल में, स्पेशली ऊर्जा ग्लोबल के लिए, ऊर्जा ग्लोबल सोलर एनर्जी और बैटरी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी वगैरह होती हैं, उनमें बहुत बड़ा एक प्लेयर है और बहुत एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है। कुछ लोग बोलते हैं भाई ऊर्जा ग्लोबल पुराना कंपनी हो गई, नहीं है एक्सपीरियंस, नहीं है मार्केट कैप कम है, भाई ऊर्जा ग्लोबल बहुत जो है एक्सपीरियंस्ड कंपनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ कल बजट में क्या हुई, सोलर एनर्जी को बूस्ट करने के लिए 1000 करोड़ का पैकेज दिया गया, और साथ ही में रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है, जो इंडिया भारत सरकार का एक अंग है, उसे 1500 करोड़ रुपये की और फंडिंग दी गई। इससे क्या मेन फोकस है गवर्नमेंट का, टू बिल्ड अप डोमेस्टिक कैपेसिटी। अब डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्ड होगी तो भाई डोमेस्टिक प्लेयर्स जो हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो आप देख सकते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग प्लान फॉर सोलर सेल्स एंड सोलर पैनल्स, और सोलर सेल्स और सोलर पैनल्स में 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस इस कंपनी को है, डेप्थ फ्री लगभग कंपनी है। उस वक्त भी मैंने आपको यही पॉइंट बोला था, अगर आपको एक पेनी स्टॉक पिक करना है तो ऐसा स्टॉक पिक करो जिसके ऊपर कर्ज ना हो, क्योंकि कर्ज ग्रोथ में बहुत बड़ा एक रोड़ा अटकाता है। अगर कंपनी के पास कर्ज नहीं है, कंपनी की बैलेंस शीट हल्की है, तो उसके पास बफर रहता है ग्रोथ जल्दी करने का, आपको मल्टी बैगर रिजल्ट्स दिखाने का। वही चीज़ अब हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर सोलर सेल और सोलर एनर्जी के, सोलर पैनल्स के ऑर्डर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को मिलेंगे तो ऊर्जा ग्लोबल उसमें एक मेन पार्ट होगा, सबसे पहली चीज़। अब अगर हम सोलर एनर्जी के लिए ओवरऑल अगर बड़ी हाइलाइट्स देखें तो वही है, सबसे पहले तो 1000 करोड़ 1500 करोड़ का पैकेज हमें देखने को मिला है। दूसरी चीज़ हमें क्या देखने को मिली है, जो सोलर सेक्टर है उसकी ग्रोथ 2025-26 तक डबल करने की उम्मीद की जा रही है, तो ये गवर्नमेंट ने बजट में बताया गया है। अब टेक्निकली क्या स्ट्रक्चर बन रहा है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ये मैं डेली चार्ट मैंने आपके लिए खोला हुआ है, एक पैटर्न आप हमेशा नोटिस कीजिएगा, बार बार मैं आपको याद दिलाता हूँ, ऊर्जा ग्लोबल का एक पैटर्न आपको देखना होगा। जिस दिन इसने अपने लास्ट ऑल टाइम हाई जो 4.85 रुपये का था उसे क्रॉस किया, उसके बाद रैली के बाद जब ये रिट्रेसमेंट होता है ये कभी इस लेवल के पास नहीं आता, यही चीज़ हमने यहाँ पे नोटिस करी, और मैंने आपको बोला था आप यहाँ पे नोटिस करना, शायद यहाँ से ये रिवर्स हो जाए। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वही सेम चीज़ हुई, ब्रेकआउट हुआ लास्ट ऑल टाइम हाई का, नीचे आया, यहाँ पे रुका ये, ठीक है, और उसके बाद वापस यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया है।
अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट इस स्टॉक के लिए सबसे पहले होंगे भाई रिजल्ट, जो इस वीक फाइनली आ जाएंगे, थोड़ा लेट आ रहे हैं मगर आ जाएंगे, इस हफ्ते को अपडेट होगी वो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट, अब कौन सा लेवल है अगर मैं वीकली चार्ट में आपके लिए निकालूं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल अभी आपके लिए वही है जो मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ, 10.5 रुपये का लेवल, 10.40 रुपये का लेवल। इस लेवल को जब तक ये डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, आपको एज अ ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, एंट्री नहीं लेनी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को देखकर ले रहे हैं, तो आप लेके आराम से रिलैक्स हो सकते हैं भाई। फिर रोज़ रोज़ आपको रेट देखने की ज़रूरत नहीं, बस कोई भी अपडेट होगी वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो बना के, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके। अब एज अ ट्रेडर 10.45 रुपये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अभी जो दिख रहा है वो आपके लिए 7 रुपये, और अगर आप बोलें तो ये गैप बन चुका है, ठीक है। ये गैप जो है 6.80 रुपये का, ये गैप आपके लिए अब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ऊर्जा ग्लोबल में आप नोटिस करके रख लीजिए। पैटर्न बुलिश है, कोई चिंता की बात नहीं है, आराम से होल्ड करके चला जा सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम।